करनाल पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा शख्स एक मासूम का हत्यारा है, जिसने महज एक केले के लिए बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी और वहीं पर जमीन में गड्ढा खोदकर उसे दबा दिया। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ में उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए पुलिस को दो बार अपना पता भी गलत बताया। सोर्सेज लगा करके या हर कैमरे के हर बार मतलब बार बार फुटेज लेकर किस टाइम आया, कौन बंदा आया, कौन निकला है, उसके माध्यम से जो हमें कुछ सहयोग मिला। सहयोग मिलने पर एक आदमी डाउटफुल होया, जो डाउटफुल होने पर जो हम लोग कैमरे फुटेज निकलवा गए रंग कलर में, तो जो उन दोनों आदमियों को दिखाया जिन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया, जिसकी तफ्तीश में मैंने अपनी चार टीमें बनाई, जो जिस तरह से सुबह 6 से 12, 12 से 6 और फिर शाम को फिर 2 टीमें, हम 4 दिन लगातार उसको तलाश करते रहे। जो अपना मेरठ रोड के ऊपर नरेंद्र सावंत का जो पूर्व विधायक है उसी कोठी के सामने घूमता मिल गया। पुलिस को पहले मामले में अपहरण की शिकायत मिली थी, लेकिन जब पुलिस को सीसीटीवी में बच्चे के बाहर जाने का कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने झुग्गी में ही बच्चे को तलाशना शुरू कर दिया, तो मिट्टी के नीचे से बच्चे का शव मिला। उस भी हाँ पर जिस तरह से पहले किडनैप की सूचना थी, किडनैप में कैमरे वगैरह में देखा तो बच्चा कहीं बाहर निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। जो अपनी टीम सहयोगी टीम लेकर के इनकी टीमें बना करके जो झुग्गी के अंदर जा करके देखा तो जिस तरह ताजी मिट्टी खुदी हुई थी, कंबल के बिछाया हुआ था, तो हमने जिस तरह डाउट होने पर मिट्टी को जिस तरह खोदा, जब तक उसकी मम्मी वाक छोटी गुड़िया जो करीब 3 साल की है अपनी मम्मी को लेकर के मौके पर आई है, तो उसके सामने जिस तरह खोदा उसको निकाला तो बच्चा मरा हुआ दबा हुआ मिला। पीड़ित परिवार से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक अक्सर झुग्गी के पास बच्चों के साथ खेलने आया करता था, लेकिन वारदात के दिन युवक ने झुग्गी में रखा केला उठाया तो बच्चे ने उसे रोक दिया और विरोध के चलते गुस्से में आकर युवक ने बच्चे की हत्या कर दी। मामले में कई दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।